आज मैं गुरु की एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ट्रिक और टेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं गूगल की वो नई ट्रिक्स क्या है जिनका यूज करके आप बहुत अच्छी सी रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक हमारी है टाइमर। आपको गूगल में टाइमर भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी रिस्ट वॉच की आवश्यकता नहीं है। तो टाइमर कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम गूगल के हम वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले से ही वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पर टाइप करेंगे टाइमर और एंटर सर्च कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये टाइमर का ओपन पेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइमर के लिए 5 मिनट का टाइम सेट है अभी डिफॉल्ट में। अगर आप स्टार्ट भी क्लिक करते हैं तो ये टाइमर आपका काम करने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, काम करने लगा। इसको आप यहाँ से लार्ज भी कर सकते हैं, यहाँ से फिर नॉर्मल स्क्रीन पर ला सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं आप टाइमर को, स्टॉप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप स्टॉप वॉच भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। स्टॉप वॉच को क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों कितनी तेजी से स्टॉप वॉच यहाँ पर काम कर रही है। तो है ना एक अमेजिंग ट्रिक गूगल की। दूसरी ट्रिक, आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना है डू ए बार रेल रोल। देखिए दोस्तों ये वाला सर्च कर लेना है और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपका गूगल का जो होम पेज है वो घूमने लगेगा। देखिए दोस्तों मैं एक बार दोबारा सर्च करता हूँ, जैसे मैं सर्च करूँगा मेरा ये गूगल का होम पेज रोटेट हो जाएगा, रोल हो जाएगा। तो है ना अमेजिंग ट्रिक दोस्तों। तीसरी ट्रिक, आपको टाइप करना है askew और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों आपका ये यहाँ पर जो गूगल का जो ये सर्च बार है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, उसका पूरा होम पेज भी टेढ़ा सा हो गया है। अगर मैं गूगल को पेज को नॉर्मल ओपन करूँ तो वो सीधा आता है एकदम। जैसे यहाँ पर मैं कुछ सर्च करता हूँ कार्ड, अगर मैं कार्ड सर्च करूँ तो यहाँ पे ये एकदम सीधा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल सर्च करूँगा askew, क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा तो मेरे गूगल का ये पेज थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, सारे रिजल्ट यहाँ पर टेढ़े ही शो होंगे। है ना अमेजिंग ट्रिक दोस्तों।